प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः शरन्तु च अस्यै देव त्वम् आचाये मां भूति च कश्चन ओम भू भू भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहित गणपति सुप्रतिष्ठितो वरदो भवः। आज गणेश चतुर्थी, भगवान गणेश का दिन है। गणेश चतुर्थी के संबंध में एक कथा प्रचलित है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? सरकार तो राज कर रही है और नीतियाँ हम पर थोप रही है। तब माता पार्वती ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया। और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर हमें बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। मुझे खेल आरंभ हुआ। देव योग से तीनों बार पार्वती जी एक बच्चे की हमेशा यही। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। उसका भी हमेशा एक ही जवाब होता। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उससे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। बच्चे तो आखिर बच्चे। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, माँ भी क्या करें, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, सरकार तो गरीब उनके उद्देश्य से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे और एक रुपए किलो मोटा। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गई और बाजरा देने का दावा करती है। एक वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आए। साथ ही ये केंद्र के गरीबी घटाने के दावे पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। योजना आयोग देश में सिर्फ 27 करोड़ लोगों की गरीबी रेखा से नीचे रहने का दावा कर रहा है। नाग कन्याओं ने जब गणेश व्रत करके 8.6 करोड़ परिवारों की बताई बीपीएल और पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। गरीबों के मामले में सरकार एक परिवार में औसतन 5.5 सदस्य मानकर चलती है। इस तरह से देश में करीब 55-60 करोड़ लोग बीपीएल और एपीएल कार्ड के आधार पर सस्ता राशन पा सकते हैं। सरकार ने तो अपना रिपोर्ट पेश कर दिया, जगह जगह पोस्टर और बैनर लगवा दिए। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, जो सवाल है, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न नहीं देंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पांव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। भूख से मर रहे हैं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। आत्महत्या करने को मजबूर है, क्या करूं सोच। उसी दिन से गणेश चतुर्थी पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा। इतने पैसे रोज के हिसाब से सांसदों के ऊपर खर्च किए जाते हैं। अरविंद वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो शायद इस देश में लोग भूखमरी के शिकार हो। गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लाने, अब तो खाने की चीजें सस्ती मिला करेंगे। ये तो बताइए कि आप गणपति को गणों का स्वामी कहा गया। गरीबों गणेश की पूजा पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। लोग अपने मन में श्रद्धा का अलग जगाए भगवान गणेश के एक दर्शन कहीं ना कहीं लालायित इनके निवालों पर ही राजनीति कर डाली। ओम विघ्न राजाय नमः, ओम प्रसन्नात्मने नमः, ओम गजाननाय नमः, ओम चतुराय नमः।
गणपति आदि देवी जिन्होंने हर युग में अलग अलग अवतार लिया है। परम पूज्य गणेश अग्र पूज्य है, जो एक तस्वीर और गणों के स्वामी है। इनके आह्वान मात्र से ही सारे कार्य सफल हो जाते हैं। गजानन के इस स्वरूप के दर्शन पाने को लोग लालायित रहते हैं। किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ करने से पूर्व भगवान गणेश का नाम लेना शुभ फलदायी माना जाता है। रोटी देने वाली सरकार हमारी पक्ष पर नहीं लगती। भगवान गणेश की पूजा अर्चना लोग श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से करते हैं। आसमान में उड़ने की ख्वाहिश होती है, लेकिन पिंजरे में अगर ज्ञान और संकल्पों को सशक्त बनाने की बात हो तो धार्मिक उपायों में श्री गणेश की उपासना फलदायी मानी जाती है। आजादी तो मिल गई, मगर यह गौरव कहां? श्री गणेश का एक नाम गजानन भी है। गजानन यानी हाथी मुख वाले। आजादी रोटी नहीं, मगर दोनों में कोई बैर नहीं, पर अगर भूख में। असल में गजानन नाम आनंद स्वरूप ही है, जिसे देखने और स्मरण करने पर पहली बार मन मस्तिष्क में आनंद और प्रसन्नता का भाव ही आता है। इनके जादू का जोर भला कब तक? प्रातः पहर में स्नान कर देवालय में श्री गणेश का ध्यान कर पंचोपचार पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है, जिसमें गंध अक्षत सुगंधित फूलों के साथ साथ विशेष रूप से सिंदूर और 11 या 21 दुर्वा दल चढ़ाए जाते हैं। मोदक या मौसमी फलों का भोग लगाया जाता है, अगरबत्ती और दीप जलाए जाते हैं, साथ ही मंत्रों का मन ही मन 11, 21 या इससे अधिक बार जप किया जाता है। पूरे देश में गणेश चतुर्थी की महिमा है। लोग अपने अपने तरीके से भगवान गणेश की पूजा बड़े ही धूमधाम से करते हैं। आंखें मूंद कर बाहें फैलाए, लंबी सांसें लेते हुए दिल से कहने की, हाँ, मैं हूँ आजाद भारत का। गणेश उत्सव का पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है। इन दिनों में हर गली मोहल्लों और चौराहों पर भी भगवान श्री गणेश की स्थापना कर सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता है। लेकिन अपने उसी दिल से पूछो जरा, क्या वाकई में हम आजाद हैं? ये सवाल आज भी नहीं कह रहे जितने की 67 साल पहले थे। वैसे ये आजादी केवल नाम की ही, क्योंकि 14 अगस्त गणेश मंदिर की रात दर्शन करने वालों का आजाद नहीं का लगा रहता है, बल्कि केवल सत्ता परिवर्तन हुआ। वहीं मंदिरों पर विशेष साज सज्जा भी की जाती है। गोरे अंग्रेजों के हाथ में शासन काले अंग्रेजों के पास आ गया। पिछले 66 सालों में बहुत काम हुआ है। कोई भारत में एक पहचान बनी है विश्व भगवान श्री गणेश। फिर भी आज देश का आम आदमी श्री गणेश रोटी और पानी के लिए तरसता रहता है। भोग लगाया हमारे देश में महलों की संख्या कम, लेकिन झोपड़पट्टियों की संख्या ज्यादा है। गरीब लोगों की तादाद जो ज्यादा है, क्या करें? सरकार भी कहती है हम बेबस राष्ट्र में लाचार। गणेश उत्सव की रौनक देखते ही बनती है। अगर यहां स्थापित की जाने वाली भी जाते गणेश तो क्या फर्क पड़ता है? विशालकाय मूर्तियां वैसे भी लोगों की आने वाले समय में और आकर्षण का संख्या के मामले में चाइना को तो पीछे छोड़ने ही वाले हैं। इतने लोगों का पेट भरना हमारे बस की बात नहीं। चतुर्दशी को वैसे मनरेगा बना दिया होता है, खाद्य सुरक्षा अध्यादेश भी ला दिया, अब क्या करें? और सार्वजनिक स्थानों पर, लेकिन सत्ता पर बैठे लोगों को क्या पता ये चीजें उन गरीबों तक पहुंच भी नहीं रही। और ये कामना करते हैं कि अगले साल फिर से भगवान श्री गणेश कहने को तो मनरेगा बना दिया गया, सुरक्षा अध्यादेश ला दिया गया, लेकिन आज भी लोगों को इनका फायदा नहीं मिलता। चतुर्दशी की रात्रि को आकर्षक झांकियां निकाली जाती हैं। हर बार हम सत्ता पर लोगों को मंदिर सोच कर बिठाते हैं कि वो हमारी भावना हमारी चाहतों का हमारे समापन से मतलब रखेंगे, लेकिन इन्होंने हमारी सोच पर ही कड़ा पहरा लगा रखा है। हमारे दुखों से इन्हें कोई सरोकार नहीं। राजनीति एक अच्छा लफ्ज मालूम पड़ता है, क्योंकि सत्ताधारियों ने हमारे दीवालों पर ही राजनीति कर डाली। इसी के साथ हमारी खास पेशकश मंगल मूर्ति मोरिया में इतना ही। हमारी कामना है कि आप सब गणेश चतुर्थी को सत्ता पर बैठे लोगों को क्या पता, उम्र जिनके हैं कच्चे, भूखे पेट सोते हैं बच्चे, क्या दुर्भाग्य है इस देश का, कोई चैन से सोता है, कोई रात सोता है।
एक दिन सबके पास काम होगा, सिर पर छत होगी, जीवन की ये जरूरत के सभी मूलभूत चीजें मुहैया होंगी। उम्मीदें अभी बाकी है। अरविंद वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी।